गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन क्लास फर्स्ट डे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको चैप्टर 3 को एक्सप्लेन किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। बच्चों, आपका फर्स्ट है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है ये, आपके छोटे छोटे से प्रश्न हैं, आप इनको ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। आपको पता है नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या है बेटा इसका आंसर? नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर है चार वस्तुओं के नाम। आपको पता है वस्तुएं कौन सी होती हैं? वस्तुएं वो होती हैं जो हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना चलती हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे किताब, मेज, फूल, पंखा। आपको पता है बुक भी इधर से उधर नहीं जाती, मेज भी इधर से उधर नहीं जाती, फूल भी हम जहाँ रखते हैं वहीं रखा रहता है, पंखा भी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जाता, हम उसको लेके जाएंगे तभी जाएगा ना। फिर है चार स्थानों के नाम। इसमें चार स्थानों के नाम में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे गंगा, मंदिर, महल, डाकघर। स्थान वो होता है जो एक जगह होता है, जैसे विद्यालय भी एक जगह रहता है ना, तो स्थान वो होते हैं जो जगह का नाम होता है। तो आपके क्वेश्चन आंसर है, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चार वस्तुओं के नाम बताइए, किताब, मेज, फूल, पंखा। फिर चार स्थानों के नाम बताइए, गंगा, मंदिर, महल, डाकघर। अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। डैश मेरा दोस्त है, क्या आएगा बच्चों इसमें? राम। फर्स्ट नंबर पे राम मेरा दोस्त है। मेज पर डैश रखिए। अब मेज पे आप बताओ क्या रखेंगे? घर भी नहीं रख सकते हम, राम को भी नहीं रख सकते, गाय भी नहीं रख सकते, तो मेज पर क्या रखिए? किताब। डैश का दूध मीठा होता है, दूध कौन देती है? गाय। यह मेरा डैश है घर। तो आप ये देखेंगे दोबारा से, फर्स्ट नंबर है राम मेरा दोस्त है, मेज पर किताब रखी है, गाय का दूध मीठा होता है और यह मेरा घर है। फर्स्ट वाले फिलअप्स में आएगा राम, सेकंड वाले फिलअप में आएगा किताब, थर्ड वाले फिलअप में आएगा गाय और फोर्थ वाले फिलअप में आएगा घर। आपने ध्यान से देखा और सीखा। फिर नीचे लिखे शब्दों को छांटकर सही मटकों में लिखिए। आपको यहाँ पर 3 मटके दिए हैं, 3 घड़े हैं ना, पॉट है ना 3, इसमें आपको छांट के लिखना है। सबसे पहले वाले पॉट में आएगा व्यक्तियों का नाम, दूसरे वाले पॉट में आएगा वस्तुओं का नाम और तीसरे वाले पॉट में आएगा स्थानों के नाम। अब आप छांटो, सबसे पहले क्या है? मंदिर। तो मंदिर कौन से वाले पॉट में आएगा? मंदिर आएगा स्थान वाले में। फिर है सचिन, सचिन आएगा व्यक्तियों के नाम में। फिर है गेंद, गेंद हमारा आएगा वस्तु के नाम में। फिर है किसान, किसान आएगा व्यक्तियों के नाम में। फिर है हिमालय, हिमालय आएगा स्थान के नाम में। किताब आएगी वस्तु के नाम में। फिर है दिल्ली, दिल्ली आएगा हमारा स्थान के नाम में। पंखा कहाँ आएगा बच्चों? वस्तु के नाम में। राधा व्यक्ति के नाम में। गांव स्थान का नाम है। बोतल वस्तु का नाम है और सरिता व्यक्ति का नाम है। तो आप देखेंगे व्यक्ति के नाम में क्या क्या आएगा, सचिन, किसान, राधा, सरिता और वस्तु के नाम में आएगा गेंद, किताब, पंखा, बोतल और स्थान के नाम में आएगा मंदिर, हिमालय, दिल्ली, गांव। आपने ध्यान से देखा, एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। व्यक्ति के नाम में सचिन, किसान, राधा, सरिता। वस्तु के नाम में गेंद, किताब, पंखा, बोतल। स्थान के नाम में मंदिर, हिमालय, दिल्ली, गांव। आपको पता चल गया व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम। अब आप देखेंगे
जो नाम आपने घड़ों में लिखे हैं उनके अतिरिक्त नाम दी गई पंक्तियों में लिखिए। इसमें आपको व्यक्ति के नाम लिखने हैं। आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, जैसे छोटे छोटे, आपको स्पेलिंग लर्न करने में भी परेशानी नहीं होगी। राम मोहन रवि, व्यक्ति के नाम में आप छोटे छोटे नाम लिख सकते हो, राम मोहन रवि। फिर वस्तु के नाम में आप कुर्सी मेज बल्ला, कुर्सी मेज बल्ला। फिर स्थान के नाम में आप महल गंगा डाकघर, क्या आएगा स्थान के नाम में, महल गंगा डाकघर। पशु भी एनिमल्स भी आप कोई भी लिख सकते हो, गाय घोड़ा गधा। तो आप देखेंगे दोबारा, व्यक्ति के नाम में राम मोहन रवि, वस्तु के नाम में कुर्सी मेज बल्ला, स्थान के नाम में महल गंगा डाकघर, पशुओं के नाम में गाय घोड़ा गधा। अब आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से स्थान का नाम है, अभी हमने आपको समझाया था, निम्नलिखित में से स्थान का नाम है, पंखा तो वस्तु होती है, फूल भी वस्तु होती है, तो स्थान का नाम क्या है बच्चों, मंदिर। स्थान के नाम में क्या आएगा, मंदिर। निम्नलिखित में से वस्तु का नाम है कुर्सी मोहन विद्यालय, तो वस्तु क्या है बेटा, कुर्सी। निम्नलिखित में से संज्ञा नहीं है, दर्जी किताब हंसना, हंसना संज्ञा नहीं है, हंसने का कोई नाम नहीं है ना, तो निम्नलिखित में से स्थान का नाम है मंदिर। निम्नलिखित में से वस्तु का नाम है कुर्सी। निम्नलिखित में से संज्ञा नहीं है, हंसना। अब आप ये नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक गतिविधियाँ। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द संज्ञा नहीं है उन पर रॉन्ग और संज्ञा शब्दों पर टिक लगाना है। अब देखो आपको मंदिर, मंदिर पर टिक लगा हुआ है ना। अब आप हंसना पे देखेंगे, हंसना पे क्या करेंगे हम, रॉन्ग लगाएंगे, क्योंकि हंसना हमारी संज्ञा नहीं है, पेंसिल संज्ञा है। फिर पढ़ना, कोई नाम नहीं है पढ़ने का, तो पढ़ने का संज्ञा नहीं है, जहाज संज्ञा है। फिर ये लड़की संज्ञा है, फिर ये कैमरा संज्ञा है, नीचे कहीं नीचे का नाम नहीं है तो ये संज्ञा नहीं है। देखेंगे आप दोबारा, हंसना रॉन्ग, पेंसिल राइट, पढ़ना रॉन्ग, जहाज राइट, लड़की राइट, कैमरा राइट, नीचे रॉन्ग। अब आप देखेंगे मेज, मेज क्या है हमारी संज्ञा है, राइट। फल राइट, गेंद राइट, खाना कोई नाम नहीं है रॉन्ग, घूमना कोई जगह का नाम नहीं है रॉन्ग, कंघा राइट, किताब राइट, माँ राइट। तो आप दोबारा देखेंगे, मेज राइट, फल राइट, गेंद राइट, खाना रॉन्ग, घूमना रॉन्ग, कंघा राइट, किताब राइट, माँ राइट। अब आपको पांच खाने वाली ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है। बच्चों खाने की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पसंद होती है, तो आप देखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं इसमें आप, समोसा केला जलेबी टिक्की नमकीन बिस्किट टॉफ़ी पराठा पूरी, आप बहुत सारी चीज़ें खाने की पसंद करते हो। फिर पांच ऐसे खेलों के नाम लिखे जो पसंद हैं आपको, तो आप गेम्स में भी कोई से भी आप लिख सकते हो, गेम्स भी बहुत सारे होते हैं, लूडो क्रिकेट फुटबॉल कैरम बोर्ड हॉकी शतरंज। फिर पांच शहरों व पांच नदियों के नाम लिखो, शहरों के नाम में लिख सकते हो आप, आगरा दिल्ली मेरठ मथुरा अलीगढ़। नदियों के नाम में लिख सकते हो आप, गंगा यमुना कावेरी कृष्णा कोसी। आपको हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया, एक बार हम एक्सरसाइज फिर रिपीट कर लेते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चार वस्तुओं के नाम बताइए, किताब मेज फूल पंखा। चार स्थानों के नाम बताइए, गंगा मंदिर
महल, डाकघर। फिर आपका नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। डैश मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। मेज पर डैश रखिए, मेज पर किताब रखिए। गाय का दूध मीठा होता है, यह मेरा घर है। फिर आप नीचे लिखे शब्दों को छांटकर सही मटकों में लिखिए। व्यक्तियों के नाम वाले मटके में आएगा सचिन, किसान, राधा, सरिता। वस्तु वाले मटके में आएगा गेंद, किताब, पंखा, बोतल। स्थान वाले मटके में आएगा मंदिर, हिमालय, दिल्ली, गांव। फिर आप जो नाम आपने घड़ों में लिखे हैं उनके अतिरिक्त नाम दी गई पंक्तियों में लिखिए। व्यक्तियों के नाम में आप लिख सकते हो राम, मोहन, रवि। वस्तु में आप लिख सकते हो कुर्सी, मेज, बल्ला। स्थान में आप लिख सकते हो महल, गंगा, डाकघर। अब पशु के नाम में आप लिख सकते हो गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। निम्नलिखित में से स्थान का नाम है पंखा, मंदिर, फूल। स्थान का नाम है मंदिर। निम्नलिखित में से वस्तु का नाम है कुर्सी। निम्नलिखित में से संज्ञा नहीं है हंसना। फिर निम्नलिखित शब्दों में से जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पर रॉन्ग और संज्ञा शब्दों पर टिक लगाइए। आपको हंसना रॉन्ग, पेंसिल राइट, पढ़ना रॉन्ग, जहाज राइट, लड़की राइट, कैमरा राइट, नीचे रॉन्ग। फिर आपका मेज राइट, फल राइट, गेंद राइट, खाना रॉन्ग, घूमना रॉन्ग, कंघा राइट, किताब राइट, माँ राइट। फिर पांच खाने वाली ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। समोसा, केला, सेब, जलेबी, टिक्की, पराठा, नमकीन, पूरी, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट। फिर पांच ऐसे खेलों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है, लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, हॉकी, शतरंज, खो खो, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर पांच शहरों व पांच नदियों के नाम में आप शहरों के नाम में लिख सकते हो, आगरा, दिल्ली, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़। फिर नदियों के नाम में आप लिख सकते हो गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, कोसी, सरस्वती, बहुत सारी नदियाँ हैं। आप आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है और नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।